असम राइफल्स के 187वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी अफसर जीसीओ बहादुर जवान सिविल स्टाफ भूतपूर्व सैनिक और हमारे बीच उपस्थित वीर सैनिकों के परिजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बल के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश के गणमान्य राजनीतिक हस्ती श्री नित्यानंद राय जी, इन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से बावजूद हमारी फोर्स की स्थापना दिवस पर हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। महोदय का हम इस पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। महोदय, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरी फोर्स को दी गई जिम्मेवारी के हमने बहुत बखूबी से निभाया है और इनमें से कुछ एक हमारे जो अचीवमेंट्स हैं वो इस प्रकार से हैं। पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर में काउंटरइंसर्जेंसी ऑपरेशंस को कंट्रोल में रखना, भारत में म्यांमार सीमा पर पिछले एक साल के दौरान 40 करोड़ की ड्रग्स और मादक पदार्थ जब्त करना, आम जनता का दिल और दिमाग जीतना और राष्ट्र निर्माण हेतु प्रकृति संरक्षण के अंतर्गत पिछले एक साल के दौरान 31 लाख पेड़ लगाना और कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कंट्रोल में रखना। फोर्स के इस प्रयास को गत वर्ष मिले पुरस्कार और पुरस्कृतियों की संख्या मान्यता प्रदान करती है। फोर्स की ओर से मैं माननीय गृह राज्य मंत्री जी को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम दी गई जिम्मेवारियों को बखूबी निभाएंगे और भविष्य में भी सुरक्षा की चुनौतियां जो होंगी उनको पूरा जोश के साथ सामना करते रहेंगे। आज इस अवसर पर मुझे अपार विनम्रता की अनुभूति को हो रही है कि हमारे बीच कर्नल स्वर्गीय विप्लव त्रिपाठी के माता पिता श्री सुभाष त्रिपाठी और श्रीमती आशा त्रिपाठी एवं स्वर्गीय श्रीमती अनुजा त्रिपाठी के माता पिता श्री कैलाशनाथ शुक्ल और श्रीमती रीता शुक्ल उपस्थित हैं। साथ ही हमारे बीच राइफलमैन स्वर्गीय सुमन स्वर्गीरे की धर्मपत्नी श्रीमती जूरी स्वर्गीरी, राइफलमैन स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद मीना की धर्मपत्नी श्रीमती ममताबाई मीना तथा राइफलमैन स्वर्गीय लोंगदोंग वांगसू की धर्मपत्नी श्रीमती चुंकी वांगसू भी मौजूद है। मैंने गृह राज्य मंत्री जी ने असम राइफल्स को सदैव अपना सहयोग प्रदान किया है और हम आशा करते हैं कि अब भविष्य में भी माननीय गृह राज्य मंत्री जी श्री नित्यानंद राय जी इसी प्रकार से हमारे प्रयासों को हौसला अफजाई करते रहेंगे। अब मैं माननीय गृह राज्य मंत्री जी श्री नित्यानंद राय जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस काबिल बल को संबोधित करें और फोर्स का मनोबल बढ़ाएं। आज असम राइफल की 187वें स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित महानिदेशक असम राइफल माननीय लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर साहब, यहाँ उपस्थित सभी असम राइफल के अधिकारीगण, जेसीओ वीर जवानों एवं उनके परिवार के उपस्थित सभी आदरणीय परिजनों, आज देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल असम राइफल के इस 187वें स्थापना दिवस के अवसर पर
मैं आप सभी को हृदय से बधाई और शुभकामना देता हूँ। सबसे पहले तो मैं असम राइफल वैसे सारे वीर शहीदों को जिन्होंने इस देश की आन बान शान, इस देश की सुरक्षा के लिए, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया है, सबसे पहले मैं उसे सारे असम राइफल के अधिकारियों को, जवानों को जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया, उनको मैं नमन करता हूँ, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज कुछ दिन पहले अपने कर्नल त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनके साथ अपने चार वीर जवानों ने भी शहादत दी है, उनको भी मैं नमन करता हूँ। और हम लोगों के लिए यह बहुत दुख की बात है कि कर्नल त्रिपाठी जो शहीद हुए, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे भी स्वर्गवासी हो गए, उन्होंने अपना जीवन खो बैठा। आज हम सब उनको याद करते हैं तो निश्चित रूप से मन को व्यथा पहुंचती है। मैं इस अवसर पर जो आपका स्थापना दिवस है 1835 के कछार लेवी के नाम से ही थी, असम राइफल के दोनों विश्व युद्धों एवं स्वतंत्रता के पश्चात सभी लड़ाइयों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने लंबे इतिहास के दौरान असम राइफल को सभी अर्ध सैनिक बलों में अधिकतम वीरता पुरस्कारों से आप सम्मानित हुए हैं। यह अनूठा गौरव आपको प्राप्त है। यह बल प्रभावी युद्ध कौशल से परिपूर्ण संगठन के रूप में उभर के आ चुका है और जिस पे आज देश को नाज है, इसमें 46 बटालियन और एक NDRF बटालियन है। असम राइफल ने अपने गौरवशाली इतिहास के दौरान पूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर एवं उग्रवाद ग्रस्त राज्यों में शांति और सद्भावना बनाए रखने में अपना अहम योगदान दिया है। असम राइफल्स ने पूर्वोत्तर में उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई और भारत में मार्शल और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने में भी काफी सफलता प्राप्त किया है। असम राइफल ऐसे भी इस अर्धसैनिक बल को लोग कहते हैं कि ऑलराउंडर है। हर बल अपने स्वभाव को लिए हुए होता है, उसकी कार्य सीमा भी होती है, लेकिन आप सबसे पुराने होने के नाते आपकी सेवा इतनी उत्कृष्ट है और बहादुरी का इतना बड़ा इतिहास है और विभिन्न प्रकार के कार्य आपको जो सौंपा गया है उसमें जो आपने दक्षता के साथ सेवा दी है और समर्पण दिया है, बलिदान दिया है, आप ऑलराउंडर कि आप किसी भी परिस्थिति में और किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार के कार्य में लगा दिया जाए, चाहे वह सीमा की सुरक्षा हो, चाहे उग्रवाद से शांति वार्ता करना हो, या फिर उस पर कार्रवाई करनी हो, या फिर पूर्वोत्तर के राज्यों के आंतरिक सुरक्षा में जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है उसमें आपने बड़ी सफलतापूर्वक काम किया है। यह इतिहास आपको आगे भी प्राप्त होता रहे, यह मेरी शुभकामना है। इस पावन अवसर पर असम राइफल में हुए कुछ एक बड़े परिवर्तन भी हुए हैं। असम राइफल के सैनिकों को पर्याप्त पीस एसोसिएशन प्रदान करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय द्वारा 5 अतिरिक्त बटालियन के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी
प्रदान की गई ताकि फील्ड पोस्टिंग के बाद जवानों को अनुकूल वातावरण में परिवार के साथ रहने का अवसर मिल सके। नशीली दवाओं ने आज भारत की युवा पीढ़ी को अपनी चपेट में ले रखा है और अधिक चपेट में लाने का प्रयास भी कर रहा है, जो राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने असम राइफल को NDPS अधिनियम की शक्तियां प्रदान की है। यह एक सुविचारित निर्णय है। नतीजन असम राइफल ने पिछले वर्ष के दौरान लगभग 40 करोड़ के मादक पदार्थ एवं ड्रग्स को जब्त किया है। आप सोच सकते हैं कि 40 करोड़ के मादक पदार्थ, हम सिर्फ पिछले वर्ष की बात करते हैं, पहले भी आपको यह उपलब्धि मिली है, इस वर्ष भी मिली है। और यह मादक पदार्थ ड्रग्स एक ऐसा वार है जिससे देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की एक बड़ी साजिश को नाकाम करना है। नहीं तो जिस प्रकार से युवा पीढ़ी से ग्रसित हो रहे, उनके चपेट में आ रहे, और आप जानते हैं कि युवा देश का भविष्य होता है, अगर हमारी युवा पीढ़ी कमजोर हो गई तो देश कमजोर होगा, देश का भविष्य चौपट होगा। और आप इतनी बड़ी कामयाबी हासिल किए हैं, आगे भी और ज़्यादा कामयाबी इसमें हासिल कीजिए, हमारी तरफ से इसके लिए शुभकामना है कि आप ड्रग्स और मादक पदार्थों की तस्करी को शून्य पे लाएं। और जैसा आपका प्रयास है, उस प्रयासों ने माननीय मोदी जी की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मन में ऐसा विश्वास पैदा किया है, उस विश्वास पर हम सब मिलकर खड़े उतरेंगे, यह मुझे आशा है, विश्वास है। बल के संरचनात्मक परिचालन और कार्यक्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से भर्ती एवं संपर्क समीक्षा कैडर रिव्यू पर सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है। हमारा सार्थक प्रयास भी है कि शीघ्र ही इसको मूर्त रूप प्रदान किया जाए। असम राइफल के आधुनिकीकरण की योजना को मंजूरी दे दी गई है और वर्तमान समय में क्रियान्वयन के चरण में है। आप समझते हैं कि इसका लाभ अपने असम राइफल को कितना प्राप्त होगा और इन लाभों से आपको उपलब्धियां भी प्राप्त होगी। COVID-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद बल ने 5,192 कर्मियों की भर्ती कर एक सराहनीय कार्य पूरा किया है। इसके अतिरिक्त 4,000 कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। असम राइफल ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए ठोस प्रयास किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फिलहाल बल में 1,187 महिलाओं को भर्ती किया गया है। आशा है कि इस बल में महिला सैनिकों की संख्या में भविष्य में और वृद्धि होगी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो में महिला टीम की तैनाती देश को विश्व में महाशक्ति बनाने की भारत की आकांक्षाओं को विश्व शांति और स्थिरता में योगदान से बल मिलता है। हालांकि भारत बहुत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापना में योगदान दे रहा है, परंतु असम राइफल की राइफल वुमेन टीम के जोड़ने से राष्ट्रों के समुदाय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में एक और सामाजिक और मानवीय आयाम जुड़ गया है। मैं बल के सभी राइफल वुमेन को बधाई देता हूं जिन्होंने इस उपलब्धि को संभव बनाया है और उसने भविष्य में और भी बेहतर कार्य करने की अपेक्षा उनसे देश कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी
नारी सशक्तन नारी सशक्तिकरण की ओर उनका विशेष ध्यान रहता है और हर क्षेत्र में नारी को प्राथमिकता मिले, उनकी सहभागिता हो, हर कार्य क्षेत्र में उनकी जो निपुणता रही है और उन्होंने जो सफलता प्राप्त की है अपनी महिला शक्ति, आज इस पर देश को नाज है। और असम राइफल ने भी अपने बलों के बीच अधिकारियों और कर्मियों में महिलाओं की भर्ती आकर माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो महिला सशक्तिकरण का है उसको सशक्त बनाया है, सहयोग किया है, इसके लिए भी हम असम राइफल को बधाई देते हैं। असम राइफल महिला सशक्तिकरण के लिए अपने अहम योगदान के लिए प्रशंसा का पात्र है, जो इन राइफल वुमेन के कौशल में भी दिखाई देता है। जब हमारे देश की सुरक्षा के लिए असम राइफल के सभी रैंकों द्वारा काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनका कल्याण मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि। इस संबंध में सरकार ने आयुष्मान भारत, रेल और हवाई टिकट सुविधा, बुकिंग सुविधा और ई आवास पोर्टल जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी की है, जो सरकार की सैनिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार की भारत के वीर पहल ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले 44 बहादुर सैनिकों के परिवारों को 2016 से अब तक लगभग 5,57,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया है। यह धनराशि उनको लागू ग्रेच्युटी और अन्य पेंशन लाभों के अतिरिक्त है। बल के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के बच्चों को शिक्षा के व्यापक अवसर प्रदान हो, इसलिए सरकार ने देश की चुनिंदा मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS सीटों में आरक्षण प्रदान किया है, जिसका बल द्वारा पूरा उपयोग किया भी जा रहा है। असम राइफल द्वारा स्थानीय नागरिकों हेतु सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत चिकित्सा शिविरों का आयोजन, महिला सशक्तिकरण की योजनाएं, राष्ट्रीय एकता यात्राएं और अन्य गतिविधियों की जा रही है। इन पहलों को समाज के कमजोर वर्गों हेतु निरंतर जारी रखे, ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक उत्थान हेतु एक आधार प्रदान हो। असम राइफल ने सरकार के वृक्षारोपण अभियान के तहत वनीकरण में बड़े पैमानों पर प्रयास किया है और अब तक लगभग 31,00,000 पेड़ लगाए हैं, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन सभी बलों में सबसे ज्यादा कठिन परिस्थितियों में भी वृक्षारोपण का एक इतिहास रचा है। वृक्षारोपण आज पर्यावरण के लिए और प्रकृति के संरक्षण के लिए कितना जरूरी है, यह विश्व ने स्वीकारा है। और हम सिर्फ एक बल ही नहीं, हम देश की सुरक्षा एकता के साथ सामाजिक व्यवस्थाओं में भी अपना योगदान देते हैं, तो हम विश्व पर्यावरण और वन संरक्षण के लिए भी हम पौधे पौधा लगाने का जो काम करते हैं वह हमारी भावनाओं को दर्शाता है। विपरीत परिस्थितियों में असम राइफल इस वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाया है और असम राइफल को हम इसके लिए बधाई भी देते हैं, आभार भी व्यक्त करते हैं कि कठिन परिस्थितियों में वृक्षारोपण चूंकि आपके संकल्प में है तो आपके प्रयासों ने बहुत अच्छा परिणाम दिया है। असम राइफल ने सभी अर्धसैनिक बलों के बीच सबसे कम COVID-19 से प्रभावित कर्मियों की संख्या दर्ज की है और टीकाकरण में भी आपने प्रधानमंत्री जी के इच्छा और संकल्प के अनुरूप आपने 100% टीकाकरण किया है और आज कहने में एक खुशी महसूस होती है
कि आज असम राइफल में कोविड से प्रभावित सैनिकों की संख्या शून्य है, यानी कोविड प्रभावित आज एक भी नहीं है। इसके लिए भी हम आपको बधाई देते हैं कि आपने अच्छा प्रबंधन किया। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जब आप सुनते होंगे तो आपको ध्यान भी होगा कि हमेशा देश की सुरक्षा बलों के हितों को उन्होंने सर्वोपरि माना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देश की सुरक्षा बलों और उनके परिजनों के कल्याण हेतु कई कदम उठाए, जिसकी हमने कुछ की चर्चा की है। माननीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी जो असम राइफल की विशेषताओं पर जो अपना कथन बार बार देशवासियों के बीच रखते हैं, कहते हैं असम राइफल पूर्वोत्तर का प्रहरी और वीरता और साहस के समृद्ध इतिहास के साथ देश का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण अर्धसैनिक बल है। यह दर्शाता है कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, देशवासियों के लिए आप कितने श्रद्धा के दृष्टिकोण से देखे जाते हैं। आज असम राइफल के 187वें स्थापना दिवस पे मैं बोल रहा हूँ। आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व मैं आपके स्थापना दिवस पे आया था और उस वाक्य को मैं आज भी कहना चाहूँगा कितना फर्क होता है जब देश के जवान जब वर्दी को धारण करता है, और उस समय उसकी पहचान क्या होती है। मैंने उस समय प्रश्न पूछा था, कुछ लोग होंगे तो याद होगा, अपने माननीय पीसी नायर साहब को भी याद होगा, उसको याद है कि उस समय भी असम राइफल के वरिष्ठतम अधिकारी मौजूद थे। तो मैंने एक प्रश्न पूछा था, फिर आज वह प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि अपने यहाँ तो स्थानांतरण की प्रक्रिया है, हो सकता है कि उस सम्मेलन में कुछ लोग रहे हों कुछ लोग नहीं रहे हों, और प्रयास होता है कि सम्मेलनों में जो सैनिक सम्मेलन हो उसमें जो सैनिक बुलाए जाए तो दूसरे सैनिक को भी अवसर मिले, शायद इस भाव से यहाँ काफी नए लोग भी इस सम्मेलन। मेरा प्रश्न है कि आज मैं भारत का गृह राजमंत्री और इस बैठे हुए वर्दीधारी अपने कोई भी जवान, हम दोनों अगर कहीं जाए वैसे गांव में जहां ऐसा स्थिति आ जाए कि हम दोनों प्यासे हों, हर किसी घर पे अगर हम पहुंचते हैं और घर वालों से हम दोनों प्यासे लोग पानी की मांग करें, एक गिलास पानी अगर वह घर वाला लाकर देगा तो पहले किसको देगा। अगर आप पीछे बैठे जवानों में से अगर इसका कोई उत्तर दे सके तो शायद मेरे मेरे मन को और मेरे भाव को शायद ज़्यादा बल प्रदान होगा। आप कोई बताएं, सैनिक को, सैनिक को, किसको? सैनिक को, मैं फिर बोल रहा हूं, किसको? सैनिक को, जिसके शरीर पर वर्दी है और मैं भारत का गृह राज्यमंत्री। मैं इस प्रश्न और उत्तर के माध्यम से आपको हम समझाना चाहते हैं कि भले पद और पौधा बड़ा हो सके लेकिन श्रद्धा और महत्व कम नहीं ज्यादा ही होता है। इसलिए वह समझता है यह है देश की भावना और देश की भावना में आपका आदर और स्थान, यह भावना और स्थान हमेशा आप ख्याल रखेंगे कि देश किस प्रकार से आप पर नाज करता है और कितना आपको महत्व देता है, देशवासियों के हृदय में कितना उच्चतम स्थान है और उस पवित्र भावना शायद आपको हमेशा
याद रखने की जरूरत है और उस याद में अपने आप को नाज के रूप में देखने की जरूरत है। मैं एक बार फिर असम राइफल के इस 187वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं मातृभूमि की सेवा में संलग्न आप सभी बहादुर सैनिकों, आप सभी अधिकारियों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि असम राइफल की देख रेख एवं कल्याण मोदी सरकार के लिए सदैव सदैव सर्वोपरि है। मैं असम राइफल को अपने देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सर्वोपरि स्थान और पहचान बनाने के लिए बधाई देता हूँ। असम राइफल हमेशा फले फूले, हमेशा अपनी सफलता को प्राप्त करे, यह हृदय से हमारी शुभकामना भी है। फिर एक बार आप सभी बहादुर अधिकारियों असम राइफल के और असम राइफल के वीर जवानों को नमन करता हूँ, आपकी बहादुरी को सलाम करता हूँ और उनके परिजन जो आज यहाँ उपस्थित है उनके आदर में मैं हृदय से उनको प्रणाम भी करता हूँ और एक बार पुनः अपने सारे असम राइफल के वीर जवानों के प्रति उनको नमन करते हुए हृदय से उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। सम्मान समारोह प्रारंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। आज इस अवसर पर मैं सबसे पहले देश की सेवा में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को नमन करती हूँ, जिनकी देशभक्ति, सेवा समर्पण और कर्तव्य निष्ठा से देश का हर नागरिक चैन से रह रहा है। मैं माननीय गृह राज्य मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वो इस शुभ अवसर पर वीर सपूतों के परिवारों को सम्मानित करें। दिनांक 13 नवंबर 2021 को कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनकी टीम के ऊपर मणिपुर में उग्रवादियों ने आत्मघाती हमला किया। कर्नल विप्लव त्रिपाठी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए देश की सेवा में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। कर्नल विप्लव त्रिपाठी जी के पिताजी श्री सुभाष चंद्र त्रिपाठी एवं माताजी श्रीमती आशा त्रिपाठी और श्रीमती अनुजा त्रिपाठी के पिताजी श्री कैलाशनाथ शुक्ला एवं माताजी श्रीमती रीता शुक्ला।
दिनांक 13 नवंबर 2021 को राइफलमैन सुमन स्वर्गेरी कर्नल विप्लव त्रिपाठी की क्विक रिएक्शन टीम का हिस्सा थे और उग्रवादियों के हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। राइफलमैन सुमन स्वर्गेरी की पत्नी श्रीमती जूरी बोरो स्वर्गेरी। दिनांक 13 नवंबर 2021 को राइफलमैन राजेंद्र सिंह मीना कर्नल विप्लव त्रिपाठी की क्विक रिएक्शन टीम का हिस्सा थे और उग्रवादियों के हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। राइफलमैन राजेंद्र प्रसाद मीना की पत्नी श्रीमती ममता बाई मीना। दिनांक 5 जनवरी 2022 को 16 असम राइफल्स का एक दस्ता मणिपुर में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गया, जिसमें राइफलमैन लोंगदोन वांगसु वीरगति को प्राप्त हुए। राइफलमैन लोंगदोन वांगसु की पत्नी श्रीमती चुमकी वांगसु। शौर्य चक्र अवार्ड 5 असम राइफल्स के राइफलमैन राकेश शर्मा 22-23 मई 2021 की मध्य रात्रि को नागालैंड के धनसिरी गांव में लगाए गए एम्बुश पार्टी का हिस्सा थे। राइफलमैन राकेश शर्मा ने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक कुशल सैनिक, अनुकरणीय नेतृत्व एवं बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए दो कट्टर उग्रवादियों को मार गिराया। इस वीरतापूर्ण और साहसिक कार्रवाई के लिए गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राइफलमैन राकेश शर्मा को वीरता पदक शौर्य चक्र से नवाजा गया। आज इस शुभ अवसर पर राइफलमैन राकेश शर्मा को 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राइफलमैन राकेश शर्मा शौर्य चक्र। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन। भारतीय सेना में ऑपरेशन एवं प्रशासनिक कार्यों में बेहतरीन कार्य करने पर यूनिट्स को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन एवं जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यूनिट साइटेशन से नवाजा जाता है। इसी कड़ी में सेना दिवस 2022 के अवसर पर 5 असम राइफल्स एवं 9 असम राइफल्स को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन से नवाजा गया तथा 26 असम राइफल्स एवं 36 असम राइफल्स को जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड यूनिट साइटेशन से नवाजा गया। आज इस शुभ अवसर पर इन यूनिटों के कमांडेंट और सूबेदार मेजरों को नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कमांडेंट 5 असम राइफल्स कर्नल मोहम्मद रजा इसराइल सेना मेडल और सूबेदार मेजर SP सिंह को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन के लिए 3,00,000 रुपए का चेक प्रदान किया जाता है। 5 असम राइफल्स।
हमारा 9 असम राइफल्स कर्नल सुरेंद्र सिंह विशिष्ट सेवा मेडल और सूबेदार बीबी जोशी कार्यवाहक सूबेदार मेजर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन के लिए 3,00,000 रुपए का चेक प्रदान किया जाता है। 9 असम राइफल्स। कमानान 26 असम राइफल्स कर्नल योगेश्वर सिंह सेना मेडल और सूबेदार मेजर केसी शर्मा को जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड यूनिट साइटेशन के लिए 1,50,000 रुपए का चेक प्रदान किया जाता है। 26 असम राइफल्स। कमानान 36 असम राइफल्स कर्नल शक्ति सिंह और सूबेदार मेजर जीएल गुज्जर को जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड यूनिट साइटेशन के लिए 1,50,000 रुपए का चेक प्रदान किया जाता है। 36 असम राइफल्स। अब मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि असम राइफल्स गाने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। असम राइफल्स के सिपाही देश के हमने शान बढ़ाए। असम राइफल्स के सिपाही देश के हमने शान बढ़ाए। भारत की रक्षा हम करते जोखिम से हम कभी न डरते। भारत की रक्षा हम करते जोखिम से हम कभी न डरते। हर आपस से हमें लड़ते सीमा पर हम जीते मरते। हर आपस से हमें लड़ते सीमा पर हम जीते मरते। भारत के हम रखवाले भारत के हम रखवाले। असम राइफल्स के सिपाही देश के हमने शान बढ़ाए। असम राइफल्स के सिपाही देश के हमने शान बढ़ाए। जवान है योग्य सिपाही हर मोर्चे पर लड़ी लड़ाई। हर जवान है योग्य सिपाही हर मोर्चे पर लड़ी लड़ाई। हर दुश्मन ने मुंह की खाई शाना साम राइफल्स की बढ़ाई। हर दुश्मन ने मुंह की खाई शाना साम राइफल्स की बढ़ाई। भारत के हम रखवाले भारत के हम रखवाले। असम राइफल्स के सिपाही देश के हमने शान बढ़ाए। असम राइफल्स के सिपाही देश के हमने शान बढ़ाए। न्याय मन को चाहने वाले बिहार से टकराने वाले। न्याय मन को चाहने वाले बिहार से टकराने वाले। पर्वत कूच बढ़ाने वाले यारी पर मिटाने वाले। पर्वत कूच बढ़ाने वाले यारी पर मिटाने वाले। भारत के हम रखवाले भारत के हम रखवाले। असम राइफल्स के सिपाही देश के हमने शान बढ़ाए। असम राइफल्स के सिपाही देश के हमने शान बढ़ाए। आंधी आए या भूचाल आए बाढ़ या पड़े अकाल। आंधी आए या भूचाल आए बाढ़ या पड़े अकाल। सेवा रत्न तेहर हाल हम भारत माता केला। सेवा रत्न तेहर हाल हम भारत माता केला। भारत के हम रखवाले भारत के हम रखवाले। असम राइफल्स के सिपाही देश के हमने शान बढ़ाए। असम राइफल्स के सिपाही देश के हमने शान बढ़ाए। शान बढ़ाए शान बढ़ाए शान बढ़ाई।